कहना है कि वो ना आए उनकी याद आकर वफा कर गई, उनसे मिलने की तमन्ना सुकून तबाह कर गई। आहट हुई दरवाजे पे सोचा असर दुआ कर गई, दरवाजा खोला तो देखा हमने आज फिर हमसे मजाक हवा कर गई। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। हाँ, तो जैसा ही साथियों आज हम बात करेंगे दशमलव के जोड़ घटाना गुणा और भाग। ये मत सोचना कि अरे क्या ये बच्चों वाली चीज़ है, ये बच्चे वाली चीज़ नहीं है। अक्सर बच्चे इन्हीं चीज़ों में गलती कर देते हैं, वो भी बड़े बच्चे करते हैं, छोटे बच्चे नहीं करते हैं। तो चलिए इनको लेकर चलते हैं, चलिए हमारे साथ सीखते हैं कुछ नया, चलिएगा। तो फिर तो साथियों ये तीन सवाल दशमलव के जोड़ के हैं, यानी कि जोड़ना है हमको। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे वो चीज़ देख लीजिएगा। पहला लेकर चलते हैं, पहला है 428.32, यानी कि 428.32, इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद क्या दे रखा है, जोड़ना है 0.321। तो हमको करना क्या है, दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव के नीचे ही हमको दशमलव लगाना है। ठीक है, ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए जोड़ और घटाने में। ठीक है, बाद में संख्या क्या दे रखी, 3, 2, 1, तो इसको लिख लीजिएगा 3, 2, 1। पीछे खाली रह जाए तो कोई बात नहीं, यहां पर जीरो आप लगा सकते हो, नहीं तो वो भी मत लगाइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, और इधर क्या हो गया 8 और 2 और ये 4। दशमलव का स्थान दशमलव यहां पे लगा दिया, बस ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा लेकर चलते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है, देखिए 424, फिर दशमलव नहीं है इसमें, 424 है, फिर प्लस 0.223। ठीक है, तो हमको जोड़ना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस संख्या में दशमलव नहीं है और जो संख्या जुड़वाई जा रही है उसमें दशमलव है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं है और जोड़ने वाली संख्या में दशमलव है, वो भी शुरू से, तो क्या करेंगे, इसके पीछे यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर लगा लिया 1, 2, 3 जीरो लगा लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, जोड़ी तो रहा है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, फिर लिख दिया 2, 2 और ये 3, प्लस का निशान लगा दिया, कितना आ गया 3, 2, 2, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, फिर 4, 2 और ये 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। ये वाला अगला सवाल लेकर चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 28.428, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए 28.428, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, 3.2, तो हमको दशमलव के नीचे ही दशमलव लाना है, तो यहाँ पे लगा दिया हमने दशमलव, कितना दे रखा है 3.2, तो 3 आगे है और 2 पीछे है। ठीक, फिर क्या दे रखा है, 291.29, ठीक, तो इसको भी दशमलव के नीचे दशमलव लगाया तीसरी बार में, 2 और 9 पीछे है, तो 2 और 9 यहाँ पे कर दिया। ठीक, समझ में आ रहा है, इतना आगे कितना है 291, तो लगा दिया, देखो 1 और तुम्हारा 9 और कितना है 2। ठीक, समझ में आ रहा है इतना, चलिएगा, फिर क्या दे रखा है, फिर प्लस लगा हुआ, फिर दे रखा है 1.4, तो 1.4 इसको हमको जोड़ना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, जीरो लगा दिया, यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, यहाँ 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 जीरो लगा दिया, ये खाली जगह भर दी हमने। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर, और ये ऐसे करके। ठीक, इतना समझ में आ रहा, देखिए 8 का कितना हो गया 8, 2 और 9 11 हो गए, 11 का 1 लिख लिया, कैरी का बच गया 1। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3 बच गया 1 हमारे पास में। ठीक, फिर नंबर आ गया दशमलव का, तो दशमलव यहाँ लगा दिया, ये प्लस हो रहा है। ठीक है, अब 1 बचा हुआ है हमारे पास अभी। ठीक, तो कितना करेंगे, 8 और 3 कितना 11, 11 1 12, 12 1 13, बचा हुआ 1 14, 14 का 4 आ गया। ठीक है, फिर भी 1 बचा, तो 2 और 9 11, 11 और 1 12, 12 का 2 बचा कितना 1। ठीक है, 2 यहाँ पर है तो 2 में 1 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 324.318, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको प्लस करना समझ में आ गया होगा, दशमलव के जोड़ना। ठीक है, अब चलिए घटाने की तरफ चलते हैं। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं घटाने की तरफ। तो दे रखा है पहला कि 3.24, ठीक, घटाना क्या है इसमें से, दशमलव के
12, तो दशमलव लगा दिया और 12 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो दो में से दो, चार में से दो गया तो दो बचा, दो में से एक गया तो एक बचा, दशमलव के स्थान पर दशमलव और तीन का ये तीन आ गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा लेकर चलते हैं, 24 में से दशमलव 24 घटवाया है, तो देखिए 24 में से दशमलव 24 घटवाया, तो इसमें दशमलव है नहीं, तो यहाँ पे लगा दिया, दो अंक पीछे कर दिए, तो दशमलव यहाँ पे और 24 ये आ गया आपका, ठीक है। तो कितना बच गया, देखिए यहाँ से एक ले लिया तो यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है, और 100 में से 24 गए तो कितना बचा, 76 बच गया, ठीक है, 76 बच गया। इधर क्या बचा हमारे पास में, 23, तो 23 हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं, देखिए इसमें भी पहली संख्या में दशमलव नहीं दे रखा है, दूसरी में दे रखा है दशमलव, तो चलिए लिखते हैं कितना दे रखा है, 324 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, दो अंक के जीरो लगा दिए, ठीक है। नीचे जो घटाना क्या है इसमें से, यानी कि 2.32, तो दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाया, दशमलव के बाद कितना दे रखा है, 3, 2, और दशमलव से पहले कितना दे रखा है, 2, तो 2 आपको यहाँ पे लिखना है, घटाना है घटा दीजिएगा। देखिए इधर से एक ले लिया, यहाँ हो गया 100, ठीक है, तो 100 में से जब 32 गया तो कितना बचा भैया, 68 लिख दिया, दशमलव का दशमलव आ गया, यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, इधर कितना बचा, 2, इधर कितना है, 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में तो आ गया होगा। चलिए तो अब गुणा की तरफ, अब बात करते हैं गुणा की। गुणा में दे रखा है कि 24.2 गुणा 3, यानी कि 24.2 में 3 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें माइनस और प्लस के एक जैसे होते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। पहला क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है, 24.2 गुणा 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 24.3 गुणा लगाया है, सॉरी 2 है यहाँ पे, 2 और गुणा करवा रहा है 3 का, तो सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 का 2, 1 बच गया, 3 × 2 = 6, 6 और 1 कितना हो गया, 7, ऐसे कर दिया। अब हमको दशमलव लगाना है, देखिएगा ठीक, अब देखिए ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है ये वाला, ठीक है, नीचे कोई दशमलव है नहीं, तो हमको करना क्या है, पीछे से एक अंक है तो एक अंक छोड़ के दशमलव यहां पे लगा देना, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे को लेकर चलते हैं। दूसरा कितना दे रखा है, 12.3 में गुणा करवा रहा है 0.21 का, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको भी लिख लेते हैं, 3, ठीक है, गुणा किसका करवा रहा है, 0.21 का, तो गुणा का निशान लगाइए, 0.21 हमने लिख दिया, ठीक, करना सिंपल वैसे ही है। देखिए एक का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का 2 में करेंगे तो 2, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ गया, ये इसलिए बता रहा हूँ, करने के लिए तो 21 का भी कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन समझने का तरीका। अब क्या करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 1 = 2, ठीक, 3 × 3 आ गया, ये 8 हो गया आपका, 2 × 6, ये 5 हो गया और ये आपका 2 रह गया। अब बात है दशमलव कहाँ पर लगाएं, तो देखिए पीछे कितने, ऊपर वाले में कितने अंक हैं, पीछे दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है, समझ में आया, एक अंक ऊपर है और नीचे कितने अंक हैं, 2, तो टोटल कितने हो गए ये अंक मिलाकर, देखिए 1, 2, 3, 3 अंक हो गए, तो यहाँ से आ जाइएगा, 1, 2, 3, 3 अंक हो गए, यहाँ पे आपको दशमलव लगाना है 3 अंक के बाद, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने भाग की तरफ, चलिएगा। तो चलिए साथियों अब बात करते हैं हम भाग को लेकर। देखिए यहाँ पर पहले में दे रखा है 240 में भाग देना है दशमलव 2 का, ठीक है। देखिए ये दे रखा है 240 भाग दिलवा रहा है दशमलव 2 का, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या पड़ता है कि हमको दशमलव हटाना पड़ेगा तब जाकर हम भाग दे पाएंगे, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे वो चीज़ देखिए,
देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के पीछे एक अंक है खाली, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है। तो हमको करना क्या है, ऊपर इस वाली संख्या में एक जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, दो चार एक जीरो और ये दो जीरो, ठीक, भाग का निशान लगाएंगे, दशमलव हट जाएगा तो कितना बचेगा, दो। ऐसे करके भी कर लेते हैं, जैसे कि 240 है, बट्टे में इसको लिख लेते हैं दशमलव दो भिन्न के रूप में करके। तो क्या करते हैं, जब दशमलव हमको हटाना है तो अगर नीचे दशमलव हटाना है तो ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, अगर ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव ये हट जाएगा, ठीक है। जब दशमलव हट जाएगा तो इसको जब हम भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा 1200, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे को लेकर चलते हैं, दूसरे की बात करें तो देखिए इसमें दे रखा है 2.8 भाग 1.4, ठीक, तो लिख लीजिएगा 2.8 भाग दिलवा रहा है 1.4 का। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है और इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, जब संख्या बराबर सी है, क्योंकि इधर भी एक अंक दशमलव के बाद इधर भी एक अंक, तो क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, कितना बचेगा, 28 इधर हो जाएगा और ये भाग इधर 14 हो जाएगा। तो 28 में जब 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो बार, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा तो अब इसको और लेकर चलते हैं अभी, तो देखिए साथियों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि 32.42 में भाग देना है 0.2 का। तो यहाँ पर देखिएगा कि दशमलव के बाद दो अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम क्या करेंगे कि एक जीरो यहाँ पे हमने बढ़ा लिया। अब देखिए दशमलव के बाद दो अंक इधर हो गए, दशमलव के बाद दो अंक इधर हो गए, इससे क्या होगा, यानी दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो हो गई बराबर, बराबर हो गई, तो इससे ये हो गया दशमलव से दशमलव हट गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, चलिएगा देखते हैं। देखिए अब इसको हमको सिंपल वाला भाग दे देना, कैसे करके देखिएगा, भाग देना है 32.42 में भाग देना है किसका, 20 का, तो 20 का भाग हमने दे दिया, कैसे करेंगे देखिए, 20 एकम 20, ठीक, कितना बच गया, 12 बचा, 12 में जाएगा नहीं तो 4 हमने उतार लिया, अब कितना हो गया, 20 छक्के 120, ठीक, कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है, 4 में तो जाएगा नहीं, अब 2 उतार लिया हमने ऊपर से नीचे की तरफ, अब 20 दूनी 40, ठीक, कितना बच गया, 2 बचा, ठीक है। अब 20 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, आगे संख्या भी नहीं है उतारने के लिए, तो यहाँ पर हमने लगाया एक दशमलव और यहाँ पर बढ़ा दिया एक जीरो, तो 20 का भाग जब 20 में देंगे तो एक बार जाएगा, ये हो गया आपका खत्म आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।